गाइज, अगर आप भी अपने फोन पे के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अपने आईडी के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोन पे के अकाउंट के पासवर्ड या पिन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन पे को गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना है, जिससे और भी जो नए फीचर आए हुए हैं उसका आनंद आप उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने फोन पे के एप्लीकेशन पर आ गया हूँ, मेरा अकाउंट ओपन है और मैं अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्टिवेट करा लिया हूँ पहले से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लोगो पर क्लिक कर देना है। अगर आप अभी तक अपने फोटो या लोगो को नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो मैं पहले से लगा लिया हूँ और यहाँ पर मैं अपने लोगो पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर यूपीआई सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने यूपीआई के पिन को ऐड कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में और भी नीचे आने के बाद यहाँ पर फोन पे अकाउंट एग्रीगेटर यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन गाइस इस पर नहीं क्लिक करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वह वर्क नहीं करेगा, यानी कि जब आप अपने फोन को मतलब कि फोन पे को ओपन करेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपका ऑप्शन नहीं मांगेगा। लेकिन गाइस इसको आप इनेबल किए रहेंगे तो आप जब भी अपने फोन पे को ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट जरूर मांगेगा। तो यहाँ पर साथ में फिंगर को भी ऐड कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इंटर योर ओल्ड पासवर्ड। अगर आप अपने पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर लिखना होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको नया पासवर्ड रखना होगा, यहाँ पर नया पासवर्ड ए है। यहाँ पर देखिए, नया पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना होगा, फिर से कंफर्म करने के और यहाँ पर आपका नया पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपको ईमेल भी ऊपर दे दिया जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। जिस तरह आपको यहाँ पर देखिए आपको मैसेज आ चुका है, तो इसी तरह आप भी अपने फोन पे के अकाउंट के पासवर्ड को अच्छी तरीके से और आसानी से चेंज कर सकते हैं। साथ में अगर मैं आपको बताऊं, और भी ज्यादा सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखिए ऐसे कर देना है। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरा फोन पे लॉगिन हो चुका है। इस तरह आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। साथ में और भी ज्यादा जो ऑप्शन होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उन सब की वीडियो भी आपके साथ में साझा करूंगा और सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो वीडियो कैसी है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई दिशा में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।